Hello students, I hope that you all are fine at your home and doing well. So now today we are going to discuss about Prahelika, yani ki pehliyan. So yahan pe 6 slokas diye hue hain as a Prahelika. Pehliyan to achhi lagti hai na hume. So let's read and translate this. एक चक्षुर्ण का कोयम बीलमिच्छन्न पन्नग क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा. एक चक्षुर्ण का कोयम, एक आंख वाला है लेकिन कौआ नहीं है. बीलम इच्छन पन्नग, बिलम यानी कि बिल होती है ना जो सांप जिसमें रहता है, बिल की इच्छा रखता है लेकिन पन्नगह वो स्नैक नहीं है. क्षीयते वर्धते चैव, क्षीयते यानी घटता है, वर्धते यानी बढ़ता है, लेकिन न समुद्रो न चंद्रमा, समंदर भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है. सो द आंसर इज सूचिका, मीन्स की सुई. सूचिका, एक चक्षुर्ण का कोयम, ऐसा माना जाता है कि कौवे की एक आंख होती है और दूसरी आंख से वो देख नहीं पाता, एक ही आंख से देख पाता है. तो यहाँ पे सुई में जहाँ पे हम धागा परोते हैं उस जगह को यहाँ पे क्या बताया गया है, एक आंख. और क्या है, बीलम इच्छन पन्नग, यानी कि जो सुई है वो बार बार हम कपड़े में डालते हैं, तो इससे ये बताया गया है कि वो बार बार अपने बिल में जाती है. क्षीयते वर्धते, जब डालते हैं तो घट जाती है, फिर वह फिर कपड़े से बाहर निकालते हैं तो वो बढ़ जाती है. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जैसे समुन्द्र की लहरें आती हैं और जाती हैं तो वो जैसे लगता है कि बढ़ता जा रहा है फिर घटता है, चंद्रमा भी बढ़ता है और घटता है. लेकिन यहाँ पे सुई को भी ऐसे बताया गया है कि वो कपड़े में जाती है तो छोटी हो जाती है, बाहर निकालते हैं तो वो बड़ी हो जाती है. सूची का, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा रुषारूढ़ो न शंकर निर्जीवी च निराहारी अजस्त्रम धान्य भक्षणम. मीन्स चतुर मुखो न च ब्रह्मा, उसके चार मुख हैं लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है. वृषारूढ़ो न शंकर, वृषारूढ़ यानी कि वृषभ, यानी कि वो बैल पर सवारी करते हैं, आरूढ़ होते हैं, लेकिन वो भगवान शंकर नहीं है. निर्जीवी च निराहारी, वो निर्जीव है और निराहारी, यानी कि खाता नहीं है कुछ भी, निराहारी. लेकिन अजस्त्रम धान्य भक्षणम, फिर भी वो कंटिन्यूअसली धान्य का भक्षण करता रहता है. सो द आंसर इज हलम, हल. चार मुख का है, उसके साइड में दो और आगे और पीछे, ऐसे चार मुख बताए गए हैं. रुषारूढ़ो न शंकर, यानी कि वो बैल के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बैल पर सवारी कर रहा है. निर्जीव है, निराहारी है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली खेत में ही जैसे चलता रहता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरा दिन धान का भक्षण करता रहता है. द आंसर इज हलम. थर्ड वन इज अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च योजानाति स पंडितः. अपदो दूरगामी च, अपदो यानी कि बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है. साक्षर न च पंडित, साक्षर है, पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है. अमुखः स्फुट वक्ता, बिना मुख वाला है लेकिन स्फुट वक्ता, स्पष्ट वक्ता है. यो जानाति स पंडित, उसको वही जान सकता है जो पंडित है. सो द आंसर इज लिखितम पत्रम,
यानी कि लिखा हुआ पत्र। लिखे हुए पत्र को क्या होता है, उसके पैर नहीं होते हैं फिर भी वो दूर दूर तक जाता है। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन उसको जो पंडित यानी कि पढ़ा लिखा है वो ही पढ़ सकते हैं। अमुख स्पष्ट वक्ता है, उसका मुख नहीं है फिर भी वो स्पष्ट वक्ता है, क्योंकि जो भी लिखा है वो जो पंडित है वो पढ़ सकता है। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी, चलति वायु वेगेन पदमेकं न गच्छति। पर्वताग्रे रथो याति, जैसे पर्वत की चोटी पर रथ चलता है, सारथी भूमौ तिष्ठति सारथी, जैसे कि सारथी जमीन पर रहता है, चलती वायु वेगेन, वायु वेग से चलता है, बट क्या है पदमेकम न गच्छति, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। सो यहाँ पे आंसर क्या है, कुंभकारस्य चक्रम, यानी कि जो कुम्हार होता है उसका चक्र क्या होता है, उसको ऐसा बताया गया है जैसे उसकी ऊपर मटका रखते हैं ना, तो उसका ऐसा बताया गया है कि पर्वताग्रे रथ हो जाती, कि उसकी जो टॉप होता है उसका, उसकी चोटी बताई गई है कि जैसे वो रथ पर चल रहा है। भूमौ तिष्ठति सारथी ही, लेकिन उसका सारथी है जो कुम्हार है वो तो जमीन पर ही बैठता है। वो क्या होता है, एकदम जो व्हील होता है उसको एकदम रोटेट करता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि चलती वायु वेगेन, यानी कि वो तो वायु वेग से चलता है, एकदम फास्ट चलता है, बट वहां से एक पेड़ भी चलता नहीं है। सो द आंसर इज कुम्हार का चक्र, कुम्भारस्य चक्रम। सुवर्णस्य 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 च जानकी, प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। यहाँ पे जो वर्ड है सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्य, और ये भी सो फोर टाइम यूज किया हुआ है, बट फोर टाइम उसके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो रहे हैं। जानकी मीन्स की सीता। तो यहाँ पे जब हनुमान जी सीता जी के पास गए थे अशोक वाटिका में, तो वो उनको उनकी अंगूठी देने गए थे और बता रहे थे ऐसा कि मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ, तब ये वो श्लोक बोले थे। यहाँ पे सुवर्णस्य का मीनिंग एक होगा उच्च कुल की, सुवर्णस्य जानकी उच्च कुल की, हे जनक नंदिनी जानकी सीता, सुवर्णस्य सुवर्णस्य प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका, कि श्रेष्ठ परिवार के राम ने, ये वाला सुवर्णस्य मीन्स उच्च कुल की, फिर दूसरा सुवर्णस्य मीन्स कि श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने आपके लिए, आपके तव रामेण आपके श्री राम ने आपके लिए सुवर्णस्य मुद्रिका सोने की अंगूठी भेजी है। उच्च कुल की है जनक नंदिनी सीता, श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने आपके लिए ये एक और सुवर्णस्य यानी कि चमकती हुई, और ये सुवर्णस्य यानी कि सोने की, चमकती हुई सोने की अंगूठी भेजी है। यहाँ पे फोर वर्ड, और वर्ड एक ही है लेकिन उसका फोर टाइम मीनिंग अलग है। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वैसुतः, कथं विष्णु पदं प्राप्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। यहाँ पे क्या होता है कि ये श्लोक होता है वो अंतरालाप प्रहेली का है, यानी कि तीन क्वेश्चन दिए होते हैं और लास्ट जो ये चरण होता है उसमें तीनों का आंसर मिल जाता है। भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, यहाँ पे लिखा है तक्रम छाछ। जयंतः कस्य वैसुतः, जयंत का पुत्र कौन है, शक्रस्य जयंत के
किसके पुत्र है? सॉरी, जयंत कस्य पुत्र वैसुत। जयंत किसका पुत्र था? शक्रस्य। प्रथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा है? तो दुर्लभम। तो यहाँ जो तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं और लास्ट जो चरण होता है उसमें तीनों के आंसर मिल जाते हैं। सो नाउ द टाइम इज फॉर ग्लोसरी एंड वी विल डू रीडिंग अदर वीडियो।